हेलो जी नमस्ते सत शामिलकुम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे और आज मैं रीडिंग करूँगी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन आपके पार्टनर की जो है वो करट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा और आपकी यूनियन किस वक्त होगी क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट लेकिन उनका मैसेज क्या है आपके लिए वो आपको इस वक्त क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उनकी इस वक्त नीयत क्या है उनकी इंटेंशन क्या हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं ठीक है सो दिस इज़ द रीडिंग टूडे आई विल डू पिक अ कार्ड मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कार्ड शफल नहीं किए हैं आपके सामने हैं डेक टू डेक्स पड़े हुए हैं ठीक है थीके? आपने चूज करना है इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर वन नाइट ऑफ कप और ऑप्शन नंबर टू नाइट ऑफ वॉन्स ओके सो चूज इन ट्यूटिवली आपको जो भी uh, कर रहा है अट्रैक्ट लेकिन रीडिंग uh, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है सो टेक वट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट Um, आपके रीडिंग अगर सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी इस चैनल चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें और कोई चैनल पे रीडिंग मिस ना करें और अगर आपके साथ रेजोनेट ना करें इट्स ओके इट्स ए जनरल रीडिंग यू कैन फाइंड आउट एनी अदर बेस्ट यूट्यूब चैनल टू फाइंड द रीडिंग सो लेट्सार्ट द रीडिंग आपके सामने um, ऑप्शन नंबर वन एंड टू है और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आई विल आल्सो यूज़ माय हैंडमेड मैसेजेस सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड ठीक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं एंड आई विल आल्सो यूज़ द चार्म क्योंकि आप सब लोगों को पसंद है सो वाई नॉट आई विल आल्सो यूज़ द सो जस्ट वेट फॉर द थिंग कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कहना क्या चाहता है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आप से uh, वो आपके लिए नेक्स्ट क्या है रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट अंत क्या है uh, जो है वो डेस्टनी क्या है आपके इस कनेक्शन की इनके साथ जो भी आप जिस जो भी पार्टनर आपके दिल या दिमाग में है सो लेट सी हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने नाइट ऑफ खाप्स चूज़ किया है नाइट ऑफ खाप्स ये वाला डैक ब्लैक वाला लेट्स आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है ठीक है उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा मैं उनका फिर आपके सामने ही चार्म uh, से निकाल के और उनका मैसेज आपको बताऊंगी लेट्स सी दिस इज अ लाइव रीडिंग पेज ऑफ कप्स सो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर रेडी हैं आपको मैसेज सेंड करने के लिए द सन कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ पेंटिकल्स वाओ वेरी गुड एनर्जी वेरी गुड एनर्जी और बॉटम ऑफ द रै वाओ हमारे पास और ऑटोमेटिकली नाइट ऑफ कप्स आ गया है सो so, वाओ wow. जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स चूज़ किया है आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं अर्थ साइन या आप हो सकते हैं द सन लियो स्पेशली हो सकते हैं या आप या वो ओके okay, आपका पार्टनर बहुत ही नाइट ऑफ कप्स बहुत एक्साइटेड है आपको रोमांटिकली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी सारे लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स से सिक्स ऑफ कप्स हो सकता है आपने कभी डेट नहीं किया था तो वो रेडी हैं आपसे डेट करने के लिए और मुझे लग रहा है कि आप विद इन सिक्स मंथ्स या जून में स्पेशली आपको जो है या आपके पार्टनर आपको डेटिंग के लिए बोलेंगे आपको ये ऑफर रिसीव होगी या आप विद इन सिक्स मंथ स्पेशली सिक्स मंथ के अंदर अंदर आप इनसे डेट करोगे या आपके पास वापस आएंगे पेज ऑफ कप्स आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव करने वाले हों आपको मैसेज करेंगे लव मैसेज होगा और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्वीट लविंग मैसेज होगा आप आपने आपका आपके मैसेज का रिप्लाई होगा अगर आपने इनको ऑलरेडी मैसेजेस किए हुए हैं तो, तो ये आपको रिप्लाई करेंगे एंड दे विल से येस टू यू सो इनका आंसर येस होगा अगर आपको उनके आंसर का वेट है दे आर ऑल्सो गोइंग टू मीट यू मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इन, इनके साथ डेट पे जाओगे बहुत जल्द विद इन सिक्स वीक्स लेकिन सिक्स मंथ्स भी लग सकते हैं क्योंकि सिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर लेकिन जून का मंथ भी हो सकता है जून जुलाई में या अगस्त में लियो सीजन में जब लियो का सीजन स्टार्ट होगा स्पेशली वी हैव द सन खान आप बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आपको प्रपोज करेगा या आपको एक, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा ये इंसान बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सो so, आप डेफिनेटली एक किस्म का मेरिकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो लेट सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू मुझे लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत है या ये इंसान किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे आपका नंबर लेके या आपका आ, आ, किसी की भी हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे येस yes, मुझे लग रहा है वेरी सून बहुत जल्द आप लोग इन से बात करने वाले हैं आपको बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है काफ़ी सारे लोगों के लिए लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वी हैव द हनी मून या मुझे लगता है कि आप एक रोमांटिक कनेक्शन में इस इंसान के साथ तो जाने वाले हो और अगर आपने ऑलरेडी डेट किया है तो दिस इज़ री यूनियन लेकिन ज़्यादातर ये वो लोग हैं मुझे नहीं लगता कि आपने इनको डेट किया पहले यह आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड है डेट करने के लिए वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये इंसान वर्थ वेटिंग फॉर है और आप इनका वेट करना चाहते हो डेफ़िनेटली आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को गेटिंग टू नो इच अदर आप दूसरे एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे Uh, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ़ पेंटिकल्स कोई ऐसा इंसान है जो दो इंसान हैं जो आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं और आपसे बात करना चाहते हैं ठीक है थीके? शायद आपके पास ऑफर हो आपको डिसाइड करना पड़े चूज़ करना पड़े दो लोगों में से लेकिन अगर कोई नहीं है तो डेफ़िनेटली जिस इंसान का आप जानना चाहते हो वो आपको यस बोलेंगे वो आपके साथ रेडी हो जाएंगे रिलेशनशिप के लिए सो लेट्स सी इस इंसान के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं फॉर ग्रुप नंबर वन फाइल नंबर वन आई वॉन्डर समाइम इफ़ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पास वाला पर्सन है तो जानना चाहता है कि अगर आपको स्टिल उनको लाइक करते हो फीलिंग्स हैं आप उनमें इंटरेस्टिड हो या नहीं या आपकी अनर्जी भी हो सकती है क्या आपको लगता है कि पता नहीं वो स्टिल आप में इंटरेस्टेड हैं स्टिल आपको डेट करना चाहते हैं या नहीं आ, फिर हमारे पास है आई विश यूअर माइंड ड्रीमिंग अबाउट यू सेक्चुअल थाट्स ड्रीमिंग टू हैव सेक्स विद यू सो ये इंसान काफ़ी पैशनट एक्साइटेड है आपको डेट करने के लिए आई एम प्लानिंग टू बी कमिटेड एंड गेटिंग मैरिड विद यू काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रपोजल ही आ सकता है आपके लिए इन नेक्स्ट टू और थ्री मंथ्स में ठीक है आप uh, देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा फ्रॉम दिस और डेक एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स ट्राम्स तो देखते हैं कि उनका मूव क्या होगा क्या मूव करेंगे और क्या ऑफ़र करेंगे और कब करेंगे अगर हम कोई सीज़न देख सकते हैं तो वी हैव अविनमेन आउटकम इज़ फोर कास्ट फोर मून इन लिब्रा जब लिब्रा में फून जो मून होगा वो लिब्रा में होगा ठीक है आप तभी इंसान आपकी तरफ आएँगे लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस या लिब्रा सीजन में हो सकता है सेप्टेम्बर या अक्टूबर में ये इंसान आपके पास आएंगे या आपको प्रपोज करेंगे अविनमेन आउटकम डेफिनेटली आपको एक किस्म का आपकी विक्ट्री होगी ठीक है आपको सक्सेस मिलेगी इसमें अगर आप वेट करोगे तो वी हैव व्हाट यू नीड टू रिलीज़ तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है बी पॉजिटिव और उम्मीद अच्छी रखिए तो आपके साथ अच्छा ही होगा इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी या आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो आपको नहीं लगता कि ये इंसान आएगा या आपको बिलीव नहीं है अगर बिलीव नहीं है आपको यकीन नहीं है तो ऐसा डेफिनेटली होगा भी नहीं सो so, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रखना है अपने आप को फुल मून इन स्कॉर्पियो सो स्कॉर्पियो के फुल मून में या लिब्रा के सीजन में आपके पास आएँ सो डेफ़िनेटली हमसे इन सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड नवंबर के जो मंथ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं शादी के लिए प्रपोजल के लिए या आप इनसे डेट करना स्टार्ट कर दोगे ठीक है लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है ना लेट सी फ्रॉम द चार्स ये चार्स हमें क्या बताता है लेट सी सो हमारे पास है के ए ये उनके लेटर हो सकते हैं एस जी ओ ठीक है फिर हमारे पास है आई बिलीव या आपको बिलीव कर रखना पड़ेगा बिलीव होगा तो आपकी लाइफ में होगा वी हैव एस वी हैव सैटर्न, सो सैटर्न से इंपॉर्टेंट कोई प्लानट हो सकता है या वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं या आप कैप्रिकॉन हो सो so, आप दोनों के दरमियान में काफ़ी आप काफ़ी अर्से से इस इंसान का वेट कर रहे हो और सैटर्न से मतलब ये ये क्योंकि यहाँ प्लानेट है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है आपकी जो दुआएँ हैं जो आपकी प्रेयर्स हैं वो रंग लाएंगी और आपकी दुआ सुनी जाएगी लेकिन आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर और पॉजिटिव रहना पड़ेगा वी आल्सो हैव द एजल हेयर सो मुझे लगता है आपको एंजल्स ने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया हुआ है और प्रोटेक्ट करेंगे आपकी यूनियन और आपकी बात को भी सुनेंगे अगर आप सही इंटेंशन से बिलीव वाली इंटेंशन के साथ प्रे करोगे वी आल्सो हैव द स्पाइडर वेब सो मुझे लगता है कि इस वक्त या इंसान ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है जैसे वो इस चीज़ से सिचुएशन से निकलेंगे तो वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे ठीक है सो so, आपको रेडी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा शायद उनको नेगेटिविटी की रिलीज़ करने की ज़रूरत है अगर आप नेगेटिव नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है जो उनको रिलीज़ करनी है आपके पास आने के लिए लेट्स सी वी हैव दिस स्टीडोस्टॉप स्ट्रीडोस्कॉप सो हो सकता है वो डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर हो मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं आप या वो वी हैव ई नर्स हो सकते हैं वी हैव दिस स्कर्ल सो दिस इज स्कॉर्पियो कार्ड सो स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या वो ये री यूनियन भी हो सकती है वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में पास से आ रहा है पुलिस में हो सकते हैं ठीक है, है. टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं या किसी तरह की ड्राइविंग करते हैं या आप दोनों का कोई एक्सीडेंट हुआ था इंसीडेंट हुआ था जो आपको याद है वे आल्सो हैव द छो वॉस हो सकता है पोजिशन पर हो सकता है ये इंसान इसकी या इन इस इंसान के पास आ, अच्छी पोजिशन है पैसा है गाड़ी है घर है ठीक है ये हो सकता है ये इंसान इस वक्त अपना फोकस कर रहा है उस चीज़ पर ठीक है सो दिस इज योर रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में हेलो ग्रुप नंबर टू जिन्होंने पाई नंबर टू जिन्होंने नाइट ऑफ वार्नस का कार्ड चूज़ किया और ये वाला डैग लेट सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं क्या आप सोच रहे हैं आपके बारे में इंटेंशंस क्या हैं और उनका मैसेज क्या है आपके लिए लेट्स वी हैव नाइन अवॉर्ड्स फायर साइन हो सकते हैं एयर इज लियो सैच क्वीन ऑफ अवार्ड्स या लॉर्ड ऑफ फायर आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं टेन अवॉर्ड लॉर्ड ऑफ फायर तो उनको बर्डन फील हो रहा है ऑलरेडी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फिज़िकली इस इंसान को लगता है कि पेंटिकल्स वन मोर कार्ड प्लीज अर्थ साइन भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फायर और अर्थ का कम्बिनेशन है आप दोनों का क्वीन ऑफ नफका स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक द मून कार्ड सो इस इंसान की वाह स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर सो बहुत ही हैवी वाटर और इमोशनल साइन इमोशनल एनर्जी सो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है ठीक है इस इंसान ने आपको छोड़ा था या आपने इनको छोड़ दिया था आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है इस वक्त आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो द मून कार्ड मदर इश्यूज हो सकते हैं इनको या इनकी मदर की वजह से या फैमिली की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था डेफिनेटली कोई रीज़न थी जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद करना बंद कर दिया मून कार्ड ये इंसान स्टिल आपके लिए फीलिंग्स रखता है स्टिल आपके बारे में ड्रीम करता है इस इंसान यह इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपसे आप प्यार करता है सीक्रेटली शायद प्यार करता है अगर इस इंसान ने कभी आपको नहीं बताया है ठीक है अगर आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए नाइन ऑफ वॉन्स ये इंसान काफ़ी गार्डेड अप है मुझे लगता है कि ये इंसान बाहर से आपको ये दिखा रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है इस इंसान को कोई परवाह नहीं है लेकिन अंदर से ये इंसान दिन ब दिन जो है वो जो है टेन ऑफ वार्न जिस ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहा है इस इंसान को लगता है कि इनको बताना चाहिए कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन इस इंसान की लाइफ में दो औरतें भी हो सकती हैं टू फीमेल्स भी हो सकती हैं मतलब एक उनकी मदर एक आप या उनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं जो उनको चूज़ करना पड़ेगा ठीक है एक को तो डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा अगर उन्होंने दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना है तो एट ऑफ़ पेंटिकल्स ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ डेट करना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अगर उन्होंने कभी पहले नहीं किया था वो आपको डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं आप क्या सोचते हो उनके बारे में क्या फ़ील करते हो आ, ये इंसान के ऊपर वर्क का बर्डन भी हो सकता है अगर कोई और लाइफ उनकी लाइफ में नहीं है तो लेकिन उन डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन है इस इंसान को लाइफ में सक्सेस चाहिए और शायद उन्होंने अपने कैरियर को चूज़ किया आप पे लेकिन अब वो बहुत हर्ट हो रहे हैं उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ चांस खो दिया है या आपकी आप लाइफ आप में मूव ऑन कर रहे हो या आपने छोड़ दिया उनको तो डेफिनेटली ब्रेकअप वाली बात है यहाँ पर आप दोनों के दरमियान में या प्ले फुलनेस ये इंसान डेफिनेटली आपसे डेट करना चाहता है आपके साथ पास वापस आना चाहता है आ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स लेकिन आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता ये इंसान इग्नोर नहीं कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये इतना इजी नहीं है इस इंसान को लगता है कि इतना इजी नहीं है आपको डेट करना या आपके साथ रिलेशनशिप रखना ये डेफिनेटली इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहता है एक मौका देना चाहता है डेफिनेटली वी हैव डिसेप्शन एंड सोलमेंट ये दोनों कार्ड किट्ठे आए हैं तो ये इंसान को लगता है कि आप उसके सोलमेंट हो जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं रख सकते हैं तो उनकी लाइफ में जैसे मैंने कहा दो लोग हो सकते हैं जिसको चूज़ करना पड़ेगा उनको फैमिली हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है लेकिन ये इंसान डिसेप्टिव है इस वक्त मून का कार्ड का मतलब भी ये हो सकता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि वो क्या फील कर रहे हैं डिसेप्शन Decepti, हो सकती है डेफ़िनेटली ये इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि वो क्या फील करते हैं या बताना नहीं चाहते और जितना वो इस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं उतना इस इंसान के लिए बर्डन बढ़ता जा रहा है ठीक है लेकिन आपको शायद ट्रस्ट है अगर आपको यकीन है कि ये इंसान आपका सोलमेट है या आपसे प्यार करता है तो ट्रस्ट कीजिए ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास ठीक है आप देख लेते हैं कि इस इंसान के जो है वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये इंसान क्या एक्शन लेगा और इस इंसान का प्लान क्या है और किस सीज़न में अगर लेगा अगर लेगा तो कब आपसे ये बात कर सकता है इंसान कब एक्शन लेगा क्या रेडी है रिलेशनशिप के लिए या नहीं सी फ्रॉम मोनोलॉजी डेक कि ये इंसान किस uh, सीज़न में आपसे बात करेगा और कब बात करेंगे ये इंसान वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन न्यू मून इन एरीज तो हम डेफिनेटी एरीज सीज़न में एंटर होने वाले हैं तो काफ़ी सारे लोग ये इंसान आपको एरीज सीज़न में नेक्स्ट अप्रैल या मार्च के एंड से ही ये इंसान आपसे बात करेगा या आपकी लाइफ में आएगा इंसान को एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू फुल मून इन एक्वेरियस सो एरीज या एक्वेरियस का कपल हो सकते हैं आप सो एरीज़ वाले मून uh, जब एरीज़ में होगा या मून फुल मून जब इक्वेरियस में होगा या न्यू मून एक्वेरियस में होगा तब ये बात करेंगे या इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जो वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे कोई डर है कोई खौफ है इस इंसान को वी हैव अ ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन न्यू मून इन एक्वेरियस न्यू एंड फुल मून दोनों एक्वेरियस के कार्ड हैं आप दोनों एक्वेरियस भी हो सकते हैं या एक्वेरियस मून हो सकता है आप दोनों का या एरीज मून हो सकता है या इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जितना ये छुपाएगा इंसान उतना उसके लिए बर्डन होगा इस इंसान को डेफिनेटली डार्क से डार्कनेस से निकल आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा लेकिन कुछ ऐसा है जो इस इंसान को होल्ड कर रहा है पास से जो इस इंसान का साउथ नोड एरीज या एक्वेरियस में हो सकता है लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है इस इंसान के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल या ये इंसान को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका उन पर कंट्रोल नहीं है आई विल टॉक टू यू वेरी सून इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है योर ड्राइविंग क्रेजी आम लूजिंग माई माइंड इस इंसान को लगता है कि जितना वो देर करेंगे वो आपको खो देंगे आई फकिंग लव यू आई लव यू लिसन आई लव यू ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन इस इंसान को बताने में जो शायद इनकी ईगो या प्राइड रास्ते में आ रहा है या इनको समझ नहीं आ रही कैसे बताएं लेट सी फ्राम छॉर्म्स ये, ये इंसान आपसे क्या कहना, कहना चाहता है आई थिंक आई शुड टेक मोर लेटर्स तुम्हारे पास है लेटर में ओ डबल ओ ई ठीक है ये उनके लेटर्स हो सकते हैं जू, जू में मिले होंगे आप ये मिलना चाहते हैं ये इंसान आपसे ज़ीरो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मतलब वी हैव हार्ट सो ये इंसान को डेफिनेटली फीलिंग्स हैं लेकिन ये इंसान यू गॉट दिस ये इंसान आपको बहुत जल्द मैसेज भेजेगा सोचता भी है मैसेज भेजने का लेकिन भेज नहीं पाते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली सर्कल में चल रहा है लुक एट दिस येस नो मे बी उनको नहीं लगता कि जब भी वो आपको उस मैसेज पे बात करने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं कॉल पे या करना चाहते हैं वो अपने आप को रोक लेते हैं वी आल्सो हैव द सेट सो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकता है इनके साथ या ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है इस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना क्योंकि यहाँ पे स्कल का कार्ड है स्कल वाली या खोपड़ी बनी हुई है तो स्कॉर्पियो तो हो सकते हैं ठीक है इस इंसान को डेफिनेटली चेंज होना पड़ेगा अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अपना लाइफ चेंज कर रहा है तो ये इंसान डांसर हो सकता है या आप डांसर हो इंसान आपकी बॉडी की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है वी हैव दिस मैन रिंग एंड वुमेन रिंग आप देख सकते हो ठीक है मैन एंड वुमेन रिंग सो दिस इज़ लाइक अ कपल रिंग ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है मेल है या फीमेल या आपको लगता है कि आप उनके मैरिज मटेरियल हो या वो डेफिनेटली अगर ये इंसान सिंगल है आपसे शादी करके ही रहेगा इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है वी आल्सो हैव द चीता दिस टाइगर सो इस इंसान को हिम्मत करनी पड़ेगी इस इंसान को स्ट्रेंथ में आना ही पड़ेगा अपनी ताकत में आना पड़ेगा एक्शन लेना ही पड़ेगा इस इंसान को फाइट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए लेकिन अभी इस वक्त वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जिससे वो निकल नहीं सकते किसी तरह के सिचुएशन में स्टक हैं लेकिन बहुत जल्द ये इंसान आपको मैसेज भेजेगा आपसे बात करना चाहता है ये इंसान डेफिनेटली नो डाउट और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बहुत जल्द इंसान आपसे बात करेगा लेकिन दूसरे लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर ये इंसान मैरिड है यह शादीशुदा है तो इस इंसान के लिए इस इंसान को डेफिनेटली कोई चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी डिसीजन लेना ही पड़ेगा ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बाय गाइज